अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सोहेबा शुकूर, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, चेयरपर्सन मीना हॉस्पिटल, पिलर नंबर 254, अत्तापुर ब्रांच। यहाँ पर हम लोग ऑल वुमेन्स हेल्थ कैंप रख रहे हैं, जो पैदा हुए से बच्चियों से लेकर जवान बच्चियाँ, शादीशुदा बूढ़े औरतों का भी इसमें कैंप है। ये 10 सितंबर से 10 नवंबर तक मुनक़िद होगा। अक्सर घरों में लेडीज़ अपने सेहत को लेकर थोड़ी लापरवाही करते हैं, इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेकर ये कैंप मुनक़िद किए हैं। यहाँ पर कंसल्टेशन फ्री रहेगा और 20% डिस्काउंट प्रोसीजर्स और सर्जरीज पे रहेंगे, और 20% डिस्काउंट इन्वेस्टिगेशंस पे रहेंगे, और 10% डिस्काउंट फार्मेसी के बिल पर रहेगा। तो हम सारे लेडीज़ और बच्चियों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर ये हमारे कैंप का इस्तेफादा हासिल करें। हम लोग यहाँ पर जो पेशेंट्स को बहुत सारे साल से, या जो माँ बनना चाहते हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उसका भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। जो जिसको टैबलेट्स की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है, उससे भी इलाज करते हैं हम लोग। और लैप्रोस्कोपीज में हम लोग जो फाइब्रॉइड्स, जिसको गड्ढे बोलते हैं, रसूली बोलते हैं, वो भी निकालते हैं। ओवेरियन सिस्ट हैं, आजकल बहुत सारे लोगों में ओवेरियन सिस्ट भी पाया जा रहा है, उसको भी लैप्रोस्कोपी से निकालते हैं हम लोग। या ट्यूबल ब्लॉकेजेस, जिसको ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, उसको भी लैप्रोस्कोपी से इलाज करते हैं। पॉलिप्स हो जाते हैं यूट्रस में, उसको हिस्टोस्कोपी पॉलिपेक्टोमी भी करते हैं हम लोग। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास 17 फीमेल कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे, दूसरे पूरे स्पेशलिटीज़ में। तो हम फीमेल्स, पूरे लेडीज़ से हम ये गुजारिश करते हैं कि सबके टाइमिंग्स मालूम करके हॉस्पिटल में आकर अपने पूरे जो जो तकलीफ़ हैं, जो जो कंप्लेंट्स हैं, आकर उनको बोलकर अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। जी हाँ, 10th जो भी कंसल्टेंट्स को बता रहे हैं हम लोग, आप लोग रुजू होना चाह रहे हैं, उनके पूरे सबका फीस माफ रहती है, आपको फीस नहीं लगती है। अदर स्पेशलिटीज पूरे डिपार्टमेंट्स में, जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजी है, फिजिशियन, जनरल फिजिशियन है, साइकियाट्री है, अगर लेडीज में कोई ऑर्थोपेडिक्स हैं, या अपना डर्माटोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स में ऑर्थोपेडिक्स हैं इसमें, पल्मोनोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, और कार्डियोलॉजी है, सब में फ्री रहेगा। खाली गायनिक में बोल के नहीं है, पीडियाट्रिक्स है, छोटे बच्चों का है, सबको फ्री कंसल्टेशन है यहाँ पे। 20% डिस्काउंट रहेगा जो भी बिल बनेगा। टाइमिंग्स देखिए, जो भी कंसल्टेंट के टाइमिंग्स रहेंगे उसके हिसाब से पेशेंट्स को आना पड़ेगा। जैसा गायनिक का तो हमारा 24 आवर्स रहता, अभी ऑफ्थाल वाले हैं सुबह से शाम तक, उनके टाइमिंग्स अलग है। तो जो भी कंसल्टेंट्स को आप रुजू होना चाह रहे हैं, आप रिसेप्शन पे आकर टाइमिंग्स मालूम कर लीजिए और फिर आकर बता ले सकते हैं आप लोग। हाँ, वो प्रोसीजर रहेगा। और ये अगर आप कार्ड बना लिए तो 2 ईयर्स तक वैलिड भी रहेगा, कोई नहीं, फ्री रहेगा कार्ड बनाने का। 20% डिस्काउंट डिलीवरी चार्जेस पे, सिजेरियंस पे, कोई भी ऑपरेशन पे, अगर आई का भी ऑपरेशन रहा, जनरल सर्जरी का भी ऑपरेशन रहा, ईएनटी का भी, ईयर का भी ऑपरेशन रहा, हर चार्जेस पे 20% डिस्काउंट रहेंगे। सिर्फ लेडीज का, एक्सक्लूसिव लेडीज कैंप है, बच्चियों से लेके बूढ़े औरतों तक भी। अब बूढ़े औरतों में जैसा इनका मेनोपॉज हो जाता, इनकी ये महामारी बंद हो जाती, उसके बाद ये लोगों के बोन्स में वीकनेस आ जाता, तो वो लोगों के लिए भी अब ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनसे भी रुजू हो सकते हैं वो लोग। या उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा, या उनका 1 साल के बाद ब्लीडिंग बंद हो के फिर अगर कुछ उनको स्पॉटिंग दिखी, उसके लिए भी उनको रुजू होना है, क्योंकि कैंसर की अलामत हो सकते हैं उसमें। या बार बार वाइट डिस्चार्ज होना, वो भी अच्छी बात नहीं रहती, उससे भी अलग पैप स्मियर करा सकते हैं। या बास बच्चियों में या बड़ों में आजकल क्या हो रहा, ब्रेस्ट में थोड़ा लंप दिख रहा है, वो भी उन्हें वो कर सकते हैं, आके रुजू हो सकते हैं। लेडी सर्जन भी अवेलेबल है हमारे पास, तो लेडी डॉक्टर से मिलके, सर्जन से मिलके अगर उनको कुछ ऑपरेशन की जरूरत है, उस पर भी 20% डिस्काउंट रहेगा। स्कैनिंग पर भी 20% डिस्काउंट रहेगा, सीटी स्कैन कराना है वो भी 20% डिस्काउंट है उसमें भी। नहीं, 10 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक, 2 महीने तक रहेगा। अब पब्लिक डिमांड पे है तो वो बोल नहीं सकते, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे बाद में फिर।
मैं डॉक्टर सुमेरा यास्मीन हूँ। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ जिसको उर्दू में जहनी डॉक्टर या नफ्सियाती डॉक्टर भी कहते हैं। जहनी सेहत हर जिंदगी के मरहले में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे छोटे बच्चे, फिर थोड़े बड़े बच्चे, फिर बड़े लोग और ज़्यादा उम्र दराज लोगों में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारी जहनी सेहत ठीक नहीं है तो हम घर के काम भी नहीं कर सकते, हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो खास करके जहनी सेहत औरतों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों के ऊपर होती है। अगर एक औरत ज़हनी तवाज़ुन सही रहा और सेहत उसकी अच्छी रही तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से उठा सकती है। सो बहुत कॉमन जो ज़हनी बीमारियां हमें दिखती हैं वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स है, एडिक्शंस है, जैसा कि छोटे बच्चों में खासकर और अभी औरतों में भी स्क्रीन टाइम का ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। स्क्रीन एडिक्शंस जो हम बोल रहे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। और इसके अलावा जैसा पोस्टपार्टम डिप्रेशन है जो डिलीवरी के बाद औरतों में थोड़ी गमगीन हो जाते हैं, फिर उनको गलत गलत ख्याल आते हैं, हर चीज़ पर वो डिप्रेस हो जाते हैं। सो हम पहचाने कैसे कि डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन में जैसे हमारा मूड लो हो जाता है, हमें किसी काम में ध्यान नहीं लगता, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, नींद में डिस्टर्बेंसेस आती है, भूख कम हो जाती है। वैसे ही जैसा एंग्जाइटी है, इसमें हमें धड़की होना शुरू हो जाती है, कपकपाहट होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर आएँ और मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट करें। जहनी बीमारी कोई स्टिग्मा का चीज़ नहीं है, ये कॉमन है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियाँ कॉमन है, जहनी बीमारियाँ भी कॉमन है। सो प्लीज़ कम एंड कम्युनिकेट हियर, गेट योर डिसीज ट्रीटेड। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर विद्याश्री, आई एम कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वी आर अ टीम ऑफ डॉक्टर्स ओवर हियर वर्किंग राउंड द क्लॉक। आई एम वन ऑफ द डॉक्टर हु डील्स विथ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। ओके, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है, इसका मायना क्या है बोले तो, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से हटके है, जिससे रहते ही गर्भवती स्त्री को या उसके बेबी को किसी भी तरह का नुकसान या कॉम्प्लिकेशंस आने की चांसेस रहता है, उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बोलते हैं। जैसे कि गर्भवती स्त्री की एज ज़्यादा रहना, मोर देन 35 ईयर्स, या टीन एज प्रेगनेंसीज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स, दिल के मरीज अगर है या किडनी की प्रॉब्लम अगर है जिसके चलते वो ऑलरेडी इलाज ले रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ही जैसे कि थोड़े मेडिकल इश्यूज आ सकता है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आ सकता है मदर को, या फिर प्रीवियस सिजेरियन हुआ है, एक से ज़्यादा सिजेरियन हुआ है, या फिर बच्चेदान के ऊपर कोई भी तरह की सर्जरी हुआ है जैसे कि मायोमेक्टमी, या फिर प्रेगनेंसी विथ फाइब्रॉइड बोलते हैं जैसे कि बच्चेदानी में गड्ढा रहना, या फिर ओवेरी में सिस्ट रहना, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी आना, ट्विन प्रेगनेंसीज, ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना, आवल नीचे चिपका हुआ रहना, बच्चेदानी के नीचे चिपका हुआ रहना, ठीक है, एंड पानी ज़्यादा रहना या कम रहना जिसके चलते बेबी का ग्रोथ पे असर होना, बेबी में इन्फेक्शन्स रहना, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहना, ये सब इससे भी ज़्यादा है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कैटेगरी में आता है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा कि ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को स्पेशलाइज केयर देना, सपोर्ट देना उनको, अगर दे हैव नॉट कंसीव्ड तो प्रेगनेंसी से पहले ही उनको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करना है, या फिर अगर प्रेग्नेंट होके आए तो उनको उनका सही से इलाज करना है, ठीक है, एंड विद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, फिजिशियन या फिर कोई भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स रहो तो साथ साथ उनसे भी लाइक ट्रीटमेंट जारी रखना, एंड एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस कराना, रेगुलर इंटरवल में स्कैन्स कराना, ये सब हम लोग मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग ये फैसिलिटी आप यूज़ करिए, हॉस्पिटल को आके एक बार चेकअप के लिए आ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यहाँ पर मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स देते हैं, जैसे एडोलेसेंट में जैसे 20
COD आजकल बहुत कॉमन हो गया, उसके लिए भी हम लोग डाइट प्रोवाइड करते हैं कि वो लोग क्या फूड्स इंक्लूड करना, क्या फूड्स अवॉइड करना, जिससे लोग का मतलब PCOS पेशेंट्स को जो आजकल कम एज में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर ले रहे हैं, तो उसके लिए वेट लॉस के लिए भी हम लोग यहाँ पर डाइट प्रोवाइड करते हैं। एंड जो प्रेगनेंसी में आजकल बहुत कॉमन चीज़ें रहते हैं कि जैसे एनेमिक रहते पेशेंट्स, उन लोग को BP, शुगर, थायराइड, ये कॉमन चीज़ें प्रेगनेंसीज में आते हैं, तो हम लोग ये क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, खाने में क्या इंक्लूड करना, क्या अवॉइड करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताते हैं। और रीनल डिजीज जैसे कि पेशेंट डायलिसिस पे है, तो लोग डायलिसिस पेशेंट्स को क्या फूड्स देना है, क्या फूड्स अवॉइड करना है, वो बताते हैं यहाँ पर। टीनेजर्स में और मतलब डिफरेंट एज ग्रुप, हर फीमेल के लिए, हर डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डाइट चार्ट्स है यहाँ पर, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए है, प्रेगनेंसीज में मदर बेबी दोनों हेल्दी रहने के लिए क्या फूड्स इंक्लूड करना है, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो अब जो 10 सितंबर से 10 नवंबर तक कैंप ऑर्गेनाइज करें, तो आप लोग यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर ईश्वर फातिमा, सीनियर OB/GYN कंसल्टेंट, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मैं एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि 11 से 19 साल की एज ग्रुप के बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर रोशनी डालना चाहूँगी। ये एज ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स है, ज़्यादातर उसका बेसिस होता है डाइट, जो कि आजकल ज़्यादातर फास्ट फूड से कॉम्प्राइज है, और डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सब में इम्पॉर्टेंट होता है PCOD, जिसको हम PCOD कहते हैं, जो कि अंडे दानों पे छाले हो जाते हैं दो तरफ, जिसकी वजह से कई कई मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटीज आ जाती है और प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा है डाइट में, चूंकि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, आयरन की सख्त कमी होती जा रही है इस ग्रुप में, जिसको एडोलेसेंट एनीमिया कहा जाता है, जिसकी वजह से कई कई प्रॉब्लम्स ग्रोथ में भी असर हो सकता है, इनको आगे प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो सकती है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है, इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये ज़्यादातर मास मीडिया और हर चीज़ के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं ये बच्चे, जिसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसको एडोलेसेंट ओबेसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ भी हो रहा है, और अगेन PCOD प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों को, और कई अदर प्रॉब्लम जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये सब की वजह क्या है? ये सब की वजह ये है कि इनको साउंड नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, जिससे सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए। सो सारे ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए, इनको टैकल करने के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स को करना चाहिए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काफ़ी हद तक हो रहे हैं, और इसके लिए खास इंतजाम किया गया है 10 सितंबर से 10 नवंबर तक, जिसके अंदर हम पूरी स्क्रीनिंग करेंगे ये एडोलेसेंट एज ग्रुप का, जिसमें स्पेशली पेरेंट्स को इनवाइट किया जाएगा, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे स्पेशली इनवाइटेड है, और इसमें हर किस्म का स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा, अल्ट्रासाउंड से लेके इनको ब्लड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें CBC लिपिड प्रोफाइल थायराइड प्रोफाइल हर चीज जो इन बच्चों को खास तरह के मेजर प्रॉब्लम से डील करना है हमको। एंड सेकेंडली हम पेरेंट्स को स्पेशल एडवाइस देंगे और इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए और दूर रखने के लिए हम पूरी तरीके से उनको स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी बताएंगे हम। दूसरा मुद्दा ये है कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जैसे कि छाते में गड्ढे होते हैं, बेनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, और जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे कि किसी की माँ को है, खाला को है, और फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको तो अर्ली स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर का। तो हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता वेरी इंपॉर्टेंट, उसका डेमो भी देंगे हम। 15 to 17 गायनेकोलॉजिस्ट है इधर, जो हर एज ग्रुप में, जैसे कि इनको 40 ईयर्स से पहले स्क्रीन करना पड़ता है हाई फैमिली हिस्ट्री वालों को, और दूसरा एवरेज रिस्क वालों को कब स्क्रीनिंग करना चाहिए, बेसिक अल्ट्रासाउंड करेंगे हम, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे हम, उसके बाद में मैमोग्राफी का हम खास रेफरल देंगे हम, और उनको ये भी बताएंगे कि किस फ्रीक्वेंसी से किया जाना चाहिए। तो हम इससे हटके और भी कई प्रॉब्लम्स डील करेंगे। शुक्रिया। ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत्तापुर, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं जो अमराज होते हैं उस पर रोशनी डालूंगी, जैसे कि फाइब्रॉइड होते हैं औरतों में, और ओवेरियन सिस्ट जो अंडेदानी पे छाले और सिस्ट बन जाते हैं, उसके अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अभी।
सो जो भी पेशेंट्स को इरेगुलर ब्लीडिंग के अमराज है यहाँ पे इसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम लोग हिस्टोस्कोपी और ये ओवेरियन सिस्ट के लिए लैप्रोस्कोपी वगैरह की सहूलत मौजूद है यहाँ पर। तो जो भी आप लोग सब इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और एक चीज़ है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं जो 50 साल से ज़्यादा औरतों में मतलब यूजुअली 50 ईयर्स में ये मेनोपॉज आ जाता है तो माहवारी रुक जाती है, लेकिन कुछ औरतों में 55 साल तक ऐसा मेनोपॉज नहीं आता, लेट मेनोपॉज आ जाता। तो ऐसी औरतों को मतलब जल्द कंसल्टेशन करवाना चाहिए, और जिसमें हम लोग ये हिस्टोस्कोपी वगैरह करके मतलब देखते हैं अगर कुछ भी, क्योंकि ये सब कैंसर के अलामत होते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोस करना ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब की सहूलत हमारे पास है। और जैसा जैसे मेनोपॉज आ जाता है तो मसल वीकनेस बढ़ जाती है, उससे है ना बच्चेदारी नीचे डिसेंट हो जाती है, उसका भी हमारे पास इलाज है। और एक ऑलरेडी हमारे कलीग बात किए हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे कि पैप्समियर कहते हैं जो बच्चेदारी के मुँह का कैंसर होता है, अर्ली डिटेक्शन से उसकी मतलब ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। जितना अर्ली डिटेक्ट हो उतना मतलब जल्दी जल्दी मतलब इलाज कर दिए तो वो कैंसर से बच सकते हैं, इसलिए जल्दी अप्रोच करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास। और एक ब्रेस्ट स्क्रीनिंग तो ऑलरेडी मैडम ने बता दिया, आप लोग इस कैंप से मुस्तफ़ीद हुए और आके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कंसल्टेशन करवाएँ। शुक्रिया। अनुराधा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑप्टोमोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। सो ये जो कैंप 10 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक होने वाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंप है औरतों पे, जो नॉर्मली अपने हेल्थ को अपनी सेहत को बहुत नज़रअंदाज कर देती है। तो ऑप्टोमोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो लेडीज़ में जो स्पेक्ट्रम ऑफ जो डिजीज़ हो सकते हैं या अबनॉर्मलिटीज़ हैं, उस पर हम फोकस करने वाले हैं कैंप में। फर्स्ट थिंग इज़ जो स्कूल गोइंग जो बच्चियां रहती हैं उनमें अक्सर डिजिटल डिवाइसेस के ओवर यूज़, यानी ज़्यादा फ़ोन या सिस्टम या लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज़ करने से नंबर जल्दी आ जा रहा है, यानी मायोपिया। तो उसके लिए करेक्शन अक्सर बच्चियों को मालूम ही नहीं रहता है कि उनको है नंबर, तो जब टेस्ट करेंगे तो मालूम होता है कि नंबर है तो हम क्लासेस दे सकते हैं। सेकेंड इशू है ड्राइनेस, ड्राइनेस यानी आँखों में खुश्की, यानी आंसुओं की जो कमी से जो सिम्टम्स आते हैं, तो ड्राइनेस हम देख रहे हैं कि सभी एज ग्रुप्स में दिख रहे हैं, मतलब बचपन से लेके ओल्ड एज तक, तो उसका भी हम लोग हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है। थर्ड थिंग लेसिक, तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप की बच्चियाँ हैं या उसके बाद जो यंग एज की जो विमेन है, तो मोटी ऐनक को जब मोटी ऐनक लगाना पड़ता है नंबर की वजह से तो कॉन्शियस हो जाती हैं, तो उनके जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए लेसिक एक बहुत अच्छा तरीका है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिससे कि वो मोटी ऐनक निकाल के वो लोग ग्लासेस से फ्री हो सकते हैं। थर्ड थिंग और एक प्रॉब्लम कॉस्मेटिक इशू जो पाया जाता है यंग लेडीज़ में, वो है स्क्विंट यानी तिरछेपन का। सो जो जब आँखें तिरछी होती है किसी की तो उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हमारे पास एक बहुत काबिल ऑक्युलोप्लास्टिक सर्जन है, लेडी सर्जन डॉक्टर आशा समदानी, जो स्क्विंट और भी कई ऑक्युलोप्लास्टिक जो डिजीज़ हैं या अबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको सर्जरी से उनको जो बच्चियों को जो कॉन्फिडेंस कम हो गया है वो वापस लौटा सकती है। मेनली स्क्विंट, टोसिस, इवन जो मिडिल एज वीमेन में जो आई बैग्स और कभी कभी ड्रूपी आईलिड्स होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ऑक्युलोप्लास्टिक सर्जन हेल्प कर सकते हैं। द अदर थिंग इज़ डायबिटीज़ और ग्लॉकोमा की वजह से जो इश्यूज आते हैं वो भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है, और उसके लिए भी लेडी स्पेशलिस्ट हैं रेटिना की। एंड कैटरैक्ट तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी में, और लेडीज़ में ये होता ही है, तो हमारे पास ये कैटरैक्ट सर्जरीज बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से 20% डिस्काउंट में होगा कैंप के दौरान। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि सब एज ग्रुप्स के जो लेडीज़ हैं, यानी बचपन से लेके ओल्ड एज तक, आके इस कैंप का पूरा फ़ायदा उठा के ये
हमारे इसमें शामिल हैं जनरल फिजिशियन मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जातापुर। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप जो है ऑल ऑफ देम सफरिंग विद शुगर बीपी थायराइड कोलेस्ट्रॉल इश्यूज दोज हु हैव क्रॉनिक जॉइंट पेन्स ऑन लॉट ऑफ पेन मेडिकेशंस दे शुड कम एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड योर किडनी शुड बी स्क्रीन योर हार्ट शुड बी स्क्रीन एंड कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्ट्रोक हार्ट अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ these age groups keep all of these things in mind and age groups less than with age less than 20 years those who are having prolonged fevers prolonged joint pains weakness weight abnormalities they also can come and get yourselves checked for any endocrine hormonal imbalances or blood related issues and in pregnancy we have maternal medicine available where we deal with diabetes in pregnancies hyperthyroid hypothyroid as well as BP any other general medical issues that arises during pregnancies thank you assalam alaikum my dr ishrat fatima senior ob gyn consultant हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।